गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये जो है चैप्टर 11 का फ्रैक्शनल नंबर्स का पार्ट टू वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट आइए हम लोग पढ़ते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। यहाँ पर तो फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। अब क्या होते हैं कि वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सब में क्या है, एट एट है। तो ये जो है हम लोग नीचे वाले को डिनोमिनेटर्स बोलते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसलिए इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अर्थात वैसे डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब जो है यहाँ पर एग्जांपल आप लोग समझ गए। अब जो है फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इसका ठीक अपोजिट है। और यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/8, 2/9 और 5/12। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 8 है, 9 है, 12 है। तो इसमें क्या है, ये जो है डिफरेंस है। और इसमें क्या था कि डिनोमिनेटर सेम था, तो इसका क्या है, इसका डिनोमिनेटर डिफरेंस है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट आप लोग दोनों लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन एक्सरसाइज में जो है आप लोगों को करने के लिए बोला जाएगा। अब जो है यहाँ पर डिवीजन इनटू ए पार्ट्स। अब जैसे डिवीजन को पार्ट कैसे डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए इसमें यहाँ पर जैसे लिया जाता है एग्जाम्पल, ले जाते हैं 1 एप्पल और एप्पल लिया जाता है, उसको 2 लड़कों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड 2, तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1/2। अब यहाँ पर जो है 4 एप्पल्स, तो स्टूडेंट इसको भी 2 वाइज में डिवाइड करना है, तो इसको हम लोग 4/2 हम लोग काट देंगे, 2/1। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग लेते हैं 7 एप्पल्स, तो यहाँ पर 7/2, तो क्या होगा 7/2। तो स्टूडेंट हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर, और इसमें भी इसमें क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर भी न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक तरह का फ्रैक्शन है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में कि कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। अब जो है स्टूडेंट यहाँ पर समझना है कि जैसे आप लोगों को बोला जाएगा कि ये जो है डिवीजन के फॉर्म में है, इसको जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में कीजिए, तो आप लोग 3/2 लिखिएगा। क्योंकि क्या है स्टूडेंट कि ये जो है आप लोगों को डिवाइजर है, और ये आप लोगों को डिविडेंड है, और ये क्या है, डिवाइजर है। तो स्टूडेंट जो डिविडेंड है उसको हम न्यूमरेटर के रूप में लिखते हैं, और फिर डिवाइजर को हम लोग क्या है, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा, और फिर ऐसे भी किसी को जो है ऐसे पूछा जाएगा, तो फिर जो है आप लोगों को इस तरीके से लिखना होगा। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए। अब जो है हम लोग देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे यहाँ पर ए फ्रैक्शन इज ए कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज ए लेस देन द डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट एग्जांपल में जैसे 3/4, 5/8, 1/4 एंड 7/8 आर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके क्या है, इसका न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर जो है न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जैसे जितना भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया, उसका न्यूमरेटर क्या है, लेस है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इज ए कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
if the numerator is either greater or equal to the denominator. या तो numerator बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए. तो स्टूडेंट जो है यहाँ पर 7/2, 5/4, 6/5, 4/4 आर प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग देख रहे हैं किसका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर है और या इक्वल है. यहाँ पर 4/4 है. तो इस तरीका से जो कंडीशन आए तो हम लोग जो है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं. तो हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में समझ गए हैं. अब स्टूडेंट यूनिट फ्रैक्शंस के बारे में देखना है. तो ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज वन इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. अब क्या है यहाँ पर जो है न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए. यहाँ पर न्यूमरेटर वन हो तो उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं. यहाँ पर 1/1, 1/2, 1/3, 1/14, 1/25 एंड 1/61. इस तरीका के जब भी आए यहाँ पर जो है न्यूमरेटर क्या हो, वन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं. तो ऑल आर यूनिट फ्रैक्शन. तो स्टूडेंट आप लोग यूनिट फ्रैक्शन के बारे में समझ गए. अब स्टूडेंट हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे जो है हम लोग एक्सरसाइज 30 को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते. स्टूडेंट इसमें जो है हम लोग मिक्स फ्रैक्शंस और मिक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट यहाँ पर जो है फ्रैक्शंस विच इज ए मेड अप ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स फ्रैक्शंस और ए मिक्स नंबर. या तो उसको मिक्स फ्रैक्शंस बोले या ए मिक्स नंबर बोले, बात एक ही है. स्टूडेंट यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो है होल नंबर है, ये होल नंबर हुआ स्टूडेंट. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है क्या हुआ है कि मिक्स फ्रैक्शन बना हुआ है. तो स्टूडेंट 2 होल 3/4, 5 होल 1/3 एंड 7 होल 1/2 आर मिक्स फ्रैक्शंस. या स्टूडेंट इसको हम लोग इंटीजर भी बोलते हैं, 2 इंटीजर 3/4. अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम लोगों को दो एग्जांपल लिए हैं और यहाँ पर दिया हुआ है कि राइट 49/8 एज ए मिक्स फ्रैक्शन. ये जो है 49/8 ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है. ये जो है 49/8 क्या है, ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उसका न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है. तो यहाँ पर जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमरेटर है वो डिविडेंड हो जाएगा. यहाँ पर जो है स्टूडेंट लिखेंगे इसको 49 और यहाँ पर 8 जो है डिनोमिनेटर क्या है, डिवाइजर के रूप में जाएगा. और यहाँ पर 8/6 जो होता है 48 और यहाँ पर जो है 1 कट गया. तो अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है आप लोगों को रिमाइंडर आया, रिमाइंडर यहाँ पर आएगा और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आएगा. ये इस तरीके से जो है ये क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन. तो अपना मिक्स फ्रैक्शन बदल गया स्टूडेंट. यहाँ पर याद रखना ये जो है न्यूमरेटर जो यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होता है, न्यूमरेटर के रूप में काम करता है. और ये क्वेश्चन क्या करता है, ये जो है फुल नंबर के रूप में रहता है और ये एक यहाँ पर जो रहता है वही होता है. तो इस तरीके से जो है आप लोगों को एक्सरसाइज 33 में क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग करना होगा. अब जो है राइट 5 होल 2/7 एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करना है, जैसे 5 2/7. अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि 7 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे. स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, 7 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा. तो हम लोग 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ये कर लेना है.
फाइव सेवन जा 35। अब जो है क्या करना है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पर 35 और प्लस 2 तो क्या हुआ स्टूडेंट, ये हुआ 37। क्या हो जाएगा 37। तो ये यहाँ पर हम लोग 37 और 27 लिख लेंगे, ये 7 लिख लेंगे। एक बार और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ 5 है और यहाँ पर 7 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर जो है उसमें 2 प्लस करेंगे स्टूडेंट। यही बात है जो है आप लोग कर लीजिएगा। अब जो है स्टूडेंट आप लोग समझ गए, तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट ये आप लोग कंसेप्ट का वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आप लोगों को एक्सरसाइज 33 जो है वो होमवर्क के रूप में करना होगा। थैंक यू।